अब तेरे बिना यहाँ मेरे। जय श्री राम। बोलो फिर हाल चाल आप सबके। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप सब भी अच्छे होंगे। सुबह अभी टाइम हो रहा है 5:25 और मैं रेडी हो चुका हूँ राइड पे जाने के लिए। मैं जा रहा हूँ अपनी टीवीएस राइडर के साथ एक राइड पे जो कि थोड़ी दूर है, ग्रेटर नोएडा साइड जा रहा हूँ। इसी काम से जा रहा हूँ, मैंने सुबह मोटर ब्लॉगिंग कर लिया। तो शाम का टाइम है, निकलते हैं। मौसम भी काफ़ी सही हो रहा है तो चलते हैं राइड पे। हेलमेट लेते हैं यार। ये माइक की जो वायर थे ना, ये चूहे ने काट दी, तो मैंने टेप से जुगाड़ किया। एक नया माइक भी ऑर्डर करना पड़ेगा। तो वह लोकेशन मैंने लगा लिया, यहाँ से चलते हैं और ग्रेटर नोएडा। यहाँ से अप्रॉक्स 17 किलोमीटर। ये फ़ोन घर पे पड़ा रहता है तो मैंने इसको ले लिया लोकेशन के लिए, क्योंकि यार एक फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग भी करता हूँ मोटो ब्लॉगिंग के, और फिर एक फ़ोन से मैप की भी ज़रूरत पड़ती है। बंदा अगर एक दो बार चले जाए तब तो लोकेशन पूरी याद हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत तो होती है गाइस। माइक की वायर कट गई है ना, तब से दिक्कत आने लगी है। स्पीड ब्रेकर कब आ गया? कंपनी वाले की छुट्टी हुई है इसलिए लग रही है भीड़ यहाँ पे। गूगल ने यार हर रास्ते को उल्टा घुमा के दिखाता है। ये पता है सीधा अगर हम ममूरा वाले रोड से आते तो आगे वाले कट से सीधा इस हाईवे पे एंटर हो जाता। यार देखिए कोई जगह नई जगह जाओ तो यार गूगल के बिना जा भी नहीं सकते। तो जो पहले के टाइम में बंदे कैसे सरवाइव करते होंगे बिना मैप वगैरह के, कहीं जाना वगैरह हो कैसे जाता हूँ। ये जाम देख रहे हो, ये देखो
अच्छा कैलाश हॉस्पिटल के पीछे से जो हाईवे जा रहा है ना, आई थिंक वही वाला हमें लेना है। देख लो पूरा जाम दिखा रहा, शाम का टाइम है ना, गलत टाइम पे निकले हम, थोड़ा पहले ही निकलना चाहिए था या फिर थोड़ा लेट। लेट तो मैं जानबूझ के नहीं निकला, क्योंकि मैंने सोचा कि यार वीडियो में क्वालिटी नहीं आती ना, क्वालिटी क्वालिटी मांगता है प्रॉब्लम। कावड़ वाले जय बम बम भोले। गाइस छपरी दिखाता हूँ, छपरी छपरी को पकड़ने के लिए थोड़ा स्पीड में भगाना पड़ेगा। इसकी टांगे देखो, बंदा तो पकड़ में ही नहीं आ रहा। अभी तो टांगे से सही कर ली, टांगे इसके फिर से जाते हैं ऐसे। ये बिल्डिंग देख के लग रहा है आपको ये दिल्ली है? सही में दिल्ली है, ये यूपी में आता है, ग्रेटर नोएडा, नोएडा भी ग्रेटर नोएडा वो यूपी में ही आता है। तो गाइस देख रहे हो क्या हाईटेक सिटी बन रही है ये ग्रेटर नोएडा, कितनी मस्त बिल्डिंग है, लगता ही नहीं हम इंडिया में रहते हैं। फॉरेन वाली लुक के साथ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये
धीरे धीरे और बड़ी होती जा रही है जैसे ऐसे पास जा रहे हैं, है ना? आपको भी लग रहा है गाइस? होले से धीमे से मुझको बाहों में भर लो ना तुम, मेरे मसीह सांसों में मुझको आहों में भर लो ना तुम। I just need time। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना नींद आके रातें हैं। तेरी आँखों का काजल ना फैले अब कभी भी, तुझे इतना प्यार दूँ। हाँ, तेरी खुशियों की खातिर ये दुनिया मैं मेरी एक पल में वार दूँ। सुन जरा मेरे पास है, अब बैठे हैं दिल के दरमियाँ, बारिशें बारिशें हैं तेरी ही बातों पे मैंने सजा ली है दुनिया यहाँ दिल के दरमियाँ, बारिशें बारिशें आती है बुलाती है बिस्तर से यूं। So guys, आपकी वीडियो के चक्कर में देख रहे हो कहाँ आ गया गांव में, पीछे सिटी है लेकिन बीच में तो गांव ही है। So guys, मैं पहुंच चुका हूँ ग्रेटर नोएडा, किसी काम से आया हूँ मजाक कर रहा हूँ। तो गाइस, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब मेरे चैनल। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, कीप सपोर्टिंग मी, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब मेरे चैनल। पहले यार लाइक कर दो और कमेंट कर दो, फिर जाना यहाँ से। तो बाय गाइस, वापस घर भी जाना। अब तेरे बिना